हेलो फ्रेंड नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू अन बॉडी ट्रांसफॉर्मर एंड आई एम योर ऑनलाइन बॉडी ट्रांसफॉर्मर महेश नेगी। गाइस, बहुत टाइम से क्वेश्चन मुझे काफ़ी लोग आप लोग पूछे थे कि सप्लीमेंट के बारे में। काफ़ी लोग बहुत बिगनर हैं और काफ़ी लोग चाहते हैं कि वो सप्लीमेंट स्टार्ट करें। पहले बात करते हैं सप्लीमेंट क्या होता है, व्हाट इज सप्लीमेंट। गाइस, अगर मैं आपको छोटे और बिल्कुल नॉर्मल वे में समझाऊँ कि सप्लीमेंट होते क्या हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम एक न्यू बॉर्न बेबी का। जब एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी न्यूट्रिशन को कवर करने के लिए हमें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप कोई भी सप्लीमेंट लीजिए। सप्लीमेंट में वो चाहे सेरेलेक हो गया या इस टाइप की कोई भी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, जिससे कि वो अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बच्चा पूरा करता है और उसको ग्रोथ करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तभी हमको डॉक्टर से रिकमेंडेड होता है कि आप अपने बच्चे को ये आप दे सकते हैं। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द राइट एज। तो मैंने आपको जैसे बताया कि यार, आप अगर पैदा हो रहे हो तो पैदा होने के आप कुछ ही दिनों बाद फूड सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे बिगनर्स की, जो लोग जिम जाते हैं, जो अब जिन्होंने जिम जाना स्टार्ट किया है, वो लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, अभी हमको 15 डेज हुए हैं, अभी हमको 20 डेज हुए हैं, अभी हमको 1 मंथ हुआ है, या मैक्सिमम किसी को यार 6 मंथ हो गया, किसी को 1 साल भी हो गया और वो बिल्कुल कन्फ्यूज होते हैं। तो गाइस, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बने रहिए इस वीडियो पे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए, व्हाट इज़ द राइट एज, क्या है, कैसे करके लेना चाहिए, सब कुछ इसके अंदर हम कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं, ये काफ़ी टाइप के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं और आप इनको कंफ्यूज अगर हो रहे हैं कि आपको कैसे और किस टाइप से स्टार्ट करना है, तो मैं बिगनर्स के लिए रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले तो यार, सप्लीमेंट को समझिए। सप्लीमेंट, व्हाट इज सप्लीमेंट। सप्लीमेंट हम उनको कहते हैं जब हमारी डाइट में हमारा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर वो प्रोटीन, कार्ब, फैट, मिनरल्स अगर हम लोग अपनी डाइट में नहीं ले सब पाते हैं, नहीं हम अफोर्ड करते हैं, देन हम लोगों को सप्लीमेंट में जाना होता है। सप्लीमेंट्स सबके लिए नहीं है। अगर आप एक हेल्दी डाइट, एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्लान अगर आप अपनी डाइट में फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इन सप्लीमेंट्स की तरफ जाए। काफ़ी लोग क्वेश्चन भी करते रहते हैं, सर ये हार्मफुल तो नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के, कि जब छोटा न्यूबॉर्न बेबी होता है, हम लोग अगर उसको तक देते हैं तो हमको इसको लेने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती। सो मेरा ये सजेशन है उनके लिए, जैसे कि कोई बिगनर है, अगर उसको 15 डेज हुआ है या 20 डेज हुआ है, पहले गाइस प्लीज़ स्टिक ऑन योर डाइट। अपनी डाइट को अच्छा रखिए, डाइट ही आपकी की है। डाइट में अगर जो वेजिटेरियन हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जस्ट सप्लीमेंट की। सो वो अपनी डाइट पर फोकस करिए। बहुत सारे न्यूट्रिशन रिच फूड अवेलेबल हैं उनके पास, ऑप्शंस बहुत हैं, ताकि वो अपनी ज़रूरत नहीं है कि आपको सप्लीमेंट पर जाना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन हैं, जो एग्स और चिकन इंटेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके पास स्टार्टिंग करने के लिए। स्टार्ट विथ योर डाइट, डोंट गो विथ सप्लीमेंट। आपको सप्लीमेंट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी डाइट अच्छी है। अगर कोई बिगनर को मैं तब ही रिकमेंड करता हूँ सप्लीमेंट के लिए, जब उसको उसकी ट्रेनिंग के सारे फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहा है। मसल्स को ब्रेक डाउन करने के बाद रिक्वायरमेंट होती है हमारे मसल रिपेयर एंड रिकवरी की। सो फर्स्ट अगर कोई बिगनर है, उसको 1 मंथ प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, 1 मंथ से पहले उसको सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। बस कॉन्सेंट्रेट करिए अपने ट्रेनिंग पे, अपनी डाइट पे, उसके बाद आप जस्ट गो विथ एनी वे प्रोटीन। सबसे पहले आप जो बिगनर्स हैं उनके लिए आफ्टर 1 मंथ मैं रिकमेंड करूँगा वे प्रोटीन, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ मत लीजिए, वे प्रोटीन लीजिए। काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं कि मैं सर गेनर लूँ या प्रोटीन लूँ। यहाँ पे आपका आंसर मैं दे रहा हूँ,
कि उनको गेनर गेनर बेसिकली यार होता क्या है कि गेनर के अंदर आपके कार्ब्स या शुगर कंटेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि वो बहुत सारी कैलोरीज उसके अंदर होती है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपनी डाइट में यहाँ पे अपनी डाइट को आप इंट्रोड्यूस कीजिए, यहाँ पे आप अपनी डाइट को इंक्रीज कीजिए और विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी वे प्रोटीन, वे प्रोटीन के साथ अपनी डाइट और वे प्रोटीन के साथ अपनी कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छा और जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा और मसल गेनिंग के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये बात अभी आपके सप्लीमेंट की, काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि यार हम लोग क्रिएटिन लें, ग्लूटामाइन लें या BCA लें, अमीनो लें, उनको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं अगर वो बिगनर है। गाइस प्लीज़ स्लोली पहले प्रोटीन से स्टार्ट कीजिए, आफ्टर वन मंथ कवर अप होने के बाद, वन एंड हाफ मंथ, एक डेढ़ महीने बाद आप अपने कोच से एडवाइस ले सकते हैं कि आपकी बॉडी टाइप किस टाइप की है। क्रिएटिन के बारे में बता दूँ, क्रिएटिन कभी भी बॉडी में वाटर लेवल नहीं बढ़ाता है, बहुत मिथ है लोगों के। क्रिएटिन के ऊपर भी मैं आपकी अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट क्रिएटिन आपकी मसल्स के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर वाटर लेवल बढ़ाता है, ओनली मसल सेल्स, ठीक है, मसल सेल्स के अंदर वाटर बढ़ाता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आपका साइज गेनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फिर बात करता हूँ मैं ग्लूटामिन की, ग्लूटामिन आपको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है बट आपकी मसल्स को रिपेयर रिकवरी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिगनर्स पहले प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे, आफ्टर वन एंड हाफ मंथ वो क्रिएटिन इंट्रोड्यूस करेंगे, आप साथ साथ में वो ग्लूटामिन भी इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर मैं बात करूँगा, दो महीने जब कवर अप हो जाए किसी के भी, उसके बाद आप इंट्रोड्यूस कीजिए एनी अमीनो एसिड, अमीनो एसिड या ब्रांड चेन अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड होता है जिसमें 20 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और जो BCAA बैका ब्रांड चेन अमीनो एसिड वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो कि आपकी मसल को रिपेयर इंस्टेंटली करते हैं और रिकवरी बहुत फास्ट करते हैं। सो दो महीने कवर अप होने के बाद आपके पास ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप BCA और अमीनो का कॉम्बिनेशन लेके एक हेल्दी सप्लीमेंट की स्टैक कर लें। तो ये आपका एक बिगनर का मैंने प्रोग्राम बताया कि उसको पहले प्रोटीन, उसके बाद आफ्टर वन एंड हाफ मंथ के बाद क्रिएटिन एंड ग्लूटामिन, और जब दो महीने उनको कवर अप हो जाए देन वो अपना BCA या अमीनो एसिड से अपनी ट्रेनिंग आगे कर सकता है। बट ये सब तो हो गया आपका सप्लीमेंट, लेकिन गाइस प्लीज़ अपनी डाइट को मत भूलना, डाइट इज ऑन टॉप, डाइट से नीचे ऊपर कोई नहीं है। तो डाइट को आप ऊपर रखिए और सप्लीमेंट्स को उसकी कैटेगरी नीचे रखिए, क्योंकि डाइट में जो आपको नेचुरल फॉर्म में जो आपको मिलेगा वो सप्लीमेंट फॉर्म में थोड़ा सा लैक करता है। सो गाइस आई होप आपको ये मेरी टिप समझ आई होगी। गाइस पूरा वीडियो देखना, आपको तभी क्लियर होगा कि आप अगर बिगनर हैं तो आपको किस किस फेस में कैसे कैसे करके अपने सप्लीमेंट्स को स्टैक करना है। तो गाइस मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद। और प्लीज़ गाइस जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं, जय हिंद।